व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू अदर स्टूडियो। इंडियन मीडिया लेटेस्ट चैनल से आप लोग के लिए वीडियो लाए हैं, काफी इंटरेस्टिंग टाइटल, पाकिस्तानी फिजा खान का निकला तेल, क्राइंग फिजा खान। थंबनेल में जो लिखा है, भारत को कोसने वाली पाकिस्तानी पत्रकार फिजा खान निकला तेल, बिल बिल आई भी है। ओ भैया, दिस वीडियो इज ओनली फॉर एंटरटेनमेंट। तो करते हैं वीडियो को प्रारंभ, और वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। चैनल बने तो प्लीज सब्सक्राइब, वीडियो कर दे प्लीज लाइक। क्या वजीर खजाना सागदार साहब ने गरीब को महंगाई की सूली पर तो चढ़ाया हुआ था ही, अब चूल्हे जो ठंडे करने का एक नया बंदोबस्त कर दिया गया, जरा सुन लीजिएगा। ठीक है, अब आप एक चूल्हा आधा चूल्हा आधा महीना चलाएंगे। अच्छा, एक वक्त खाना पकाएंगे, मगर क्यों? तभी जो गैस बिलों में होशुरबा जो इजाफा है उससे बच पाएंगे। ये हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। जी हाँ, अगर गलती से महीने भर चूल्हा जला लिया तो फिर 56 यूनिट खर्च हो जाएंगे और जो बिल है वो 23% महंगा आएगा। ये हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। पाकिस्तान नया हो या पुराना, एक बात पर ये सब इकट्ठे हैं कि मईशत मांग तांग कर ही चलानी है। शाबाश, ये है डार साहब का पाकिस्तानी अवाम के लिए IMF से लिया गया तोहफा। ये हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आपने सबसे पहले खबर और पाकिस्तान कितनी तेजी से तरक्की कर रहा है ये बताइए हमारी फिजा खलीफा। और मुल्क में 50% गैस जो है वो घरों में खाना बनाने के लिए इस्तेमाल होती है, और इसी तबके से 6 महीने में 310 अरब रुपए निकलवा कर IMF से शाबाशी ली जाएगी। यानी अब घर से ओवन गीजर इस तरह की तमाम चीजें निकलवा कर कहीं दूर फेंक दें, चूल्हा भी कम ही जलाएं, और जनरेटर चलाने वाले तो कान पकड़ लें अभी से। ये हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि जिसने 400 यूनिट गैस इस्तेमाल कर ली तो फिर उसका जो बिल है वो दुगने से भी ऊपर चला जाएगा, यानी हजारों में आएगा। अब यही नहीं, हर महीने बिल पर 500 रुपए इजाफी भी इसी अवाम से वसूल किए जाएंगे, और हुकूमत के ख्याल में ये कोई इतना बड़ा बोझ तो है ही नहीं। अब जाहिर है कि आपको बोझ क्यों लगे, आपने कौन से खुद से बिल देने, आपको कैसे लगेगा बोझ। अब जरा आइए सनतों की जानिब, जो गैस से बनती है बिजली और वो महंगाई हुई तो फिर खाने पीने सोच लें, घरेलू इस्तेमाल की जितनी भी चीज़ें हैं उनकी महंगी होने का जो बोझ है वो किस पे पड़ेगा? यकीनी तौर पे अवाम पे पड़ेगा। बिजली पहले ही महंगी की जा चुकी है और भी महंगी हो जाएगी, और अवाम से इतनी कुर्बानियाँ लेने वाले हुक्मरान ज़रा ख़ुद तो बता दें कि किसने अपनी कारों और ये जो मुलाजिमों हैं उनकी फ़ौज को कम किया, किसने मुफ्त पेट्रोल मेडिकल मरात फॉरेन जो ट्रिप्स हैं उसको छोड़ा, छोड़ना तो दूर, उल्टा जो नए वजीर हैं नए मुशीर हैं वो भर्ती किए जा रहे हैं। अब हो सकता है कि इसी अशराफिया के कई लोग उस कतार में भी खड़े हों जिसने हर पाकिस्तानी का दिल चीर कर रख दिए। अब लाहौर में जो हमारी अशराफियाँ जेब में पैसे लिए महंगी ब्रांडेड जो कॉफ़ी है वो ख़रीदने के इंतज़ार में बड़े सब्र से कतार बनाए नज़र आई। अब दूसरी जानिब वो कतारें भी आपको याद होंगी जिसमें माएं बहनें सस्ते राशन के ट्रकों और स्टोर्स के बाहर सड़क पर घंटों लाइन में खड़ी रहीं। क्या कायद का पाकिस्तान दो कितारों में बट गया? क्या इस मुल्क में यही दो तबके हैं, एक इंतहाई अमीर और दूसरा इंतहाई गरीब? क्या ये जो तबकाती फर्क है, बढ़ती महंगाई है, ये मुल्क से मिडिल क्लास का खात्मा कर रही है जो किसी भी मुल्क की तरक्की की जमानत होती है? कर्जों पर समझौता नहीं करना, अपनी मईशत अपने पांव पर खड़ी नहीं करनी, टैक्स की चोरी नहीं पकड़नी, किसी शोबे की इस्लाह नहीं करनी, अपनी हुकूमत की परफॉर्मेंस ठीक नहीं करनी, गवर्नेंस ठीक नहीं करनी, दौलत कमाने नहीं मांगने हैं, बरामदात नहीं दरामदात में इजाफा करना है, हुकूमती अखराजात कम नहीं करने, तादाद में कमी नहीं करनी, मौशी दिवालिये के साथ साथ काबीना का साइज बढ़ाने पर कोई समझौता नहीं करना। जनाब, इन सब का IMF के पास जाने पर मुकम्मल इत्तफाक है, बस छोटा मोटा इख्तलाफ या पहले या बाद में या जल्दी या देर से जाने पर जरूर हो सकता है। शबरदेश से पहले जरा ये कितारों में बटे हुए पाकिस्तान के बारे में बात कर लेते हैं, ये बेहिसी है या असल पाकिस्तान यही है जिसका अक्स हमें इन तस्वीर में नजर आया? देखिए, असल पाकिस्तान यही है, और ये एक बात आप दिमाग से निकाल दें, पाकिस्तान हमेशा से यही है, ये अभी नहीं बनी है कतारें। पाकिस्तान में कभी ये कतारें खत्म नहीं हुई, पाकिस्तान में हमेशा क्लास सिस्टम रहा है, पाकिस्तान की बुनियादों में ये क्लास सिस्टम रहा है, और पाकिस्तान में पाकिस्तान बनने के बाद मजहब के नाम पर और नेशनलिज्म के नाम पर
नेशनलिज्म के नाम पर और इंडिया से दुश्मनी के नाम पर इस क्लास सिस्टम को मजबूत किया गया है और पाकिस्तान में एक बहुत तरीके से बहुत सोचे समझे तरीके से वो लोग जो इकोनॉमिक इक्विटी की बात करते हैं जिसको हम इकोनॉमिक्स में प्रोग्रेसिव लोग कहते हैं उनको शाही किले के कैदखाने में टॉर्चर से मार दिया गया है। तो अब अगर आपको ये हसन नासिर शहीद जो थे वो इसी में शहीद हुए थे, अब अगर आपको ये भुगतना पड़ रहा है तो हम तो इसका इंतजार कर रहे थे, अब वो दिन आ गया तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। फिर शब्बर से गरीब आदमी को कहां देख रहे हैं आप? गरीब आदमी देखिए मेरी बात सुने, गरीब आदमी को गरीब आदमी मुल्क में इस माशरे में हमेशा से गरीब है और अभी पाकिस्तान में वो पोजीशन नहीं आई कि कोई आदमी भूखा मर रहा है। और आप अच्छा। ये देखेंगी कि जैसे जैसे ये महंगाई बढ़ती जाएगी, ये सैलानी और छिपा और ये चीजें बढ़ती जाएंगी और इनको फंडिंग मिलती जाएगी उन लोगों की तरफ से, मैं आज आपको बड़ी ट्रेन का बता रहा हूँ, ये फंडिंग उन लोगों की तरफ से मिलेगी जो हराम की कमाई कर खा रहे हैं। ये सैलानी छिपा और ये सारे इनको डोनेशन कौन देता है, आपने कभी गौर किया है इनको डोनेशन कौन लोग देते हैं? ये वो लोग देते हैं जो टैक्स नहीं देते। तो पाकिस्तान में एक मईशत का पैरेलल निजाम खड़ा हो रहा है और ये स्टेट के अगेंस्ट स्टेट खड़ी हो रही है। तो पाकिस्तान में अवाम को रोटी अब स्टेट नहीं प्रोवाइड कर पा रही, अब छिपा और सैलानी रोटी प्रोवाइड करेंगे। अच्छा, ये जो भी ये फिच रेटिंग एजेंसी है इसने पाकिस्तान की लॉन्ग टर्म करेंसी डिफॉल्ट रेटिंग मनफी कर दी है, तो क्या डार साहब मोडीज या जो SNP और ये जो IMF की तरह इन्हें भी आंखें दिखाने की पोजिशन में आपको नजर आते? देखिए आंखें दिखाने की पोजीशन में क्या नजर आते हैं, ये तो अपनी शक्ल दिखाने के लायक नहीं है। आगे क्या दिखाएंगे? बात ये है कि ये जो फिच ने आपकी रेटिंग लो की है, ये इसलिए लो की है कि आपका सेटलमेंट नहीं हो पा रहा है, पॉलिटिकल आपकी स्टेबिलिटी नहीं आ पा रही है, आप अपने इंपोर्ट का बिल कम नहीं कर पा रहे हैं। तो फिंच वाले जो हैं, आज पता नहीं आपने मेरा एक आर्टिकल मैंने बिजनेस रिकॉर्डर पे लिखा है आफ्टर द न्यू ट्रेंच, तो पाकिस्तान तो IMF की ट्रांच के बाद भी रिकॉर्ड में जाएगा, इसमें तो मुझे कोई शक नहीं है, मुझे तो कोई शक नहीं है। अगर हमने अपने रवैये और तरीके सही नहीं किए तो वो तो जाना ही है, उसको तो कोई नहीं बचा सकता। अगर हमने, मुझे एक बात बताइए कि आप दो गवर्नमेंट को छोड़ दें, आप 2022 में आप गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ऐसा कौन सा काम किया जिससे वो पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाए? एक काम मुझे बता दें, एक काम बताएं जिससे पाकिस्तान गवर्नमेंट ने ये फैसला किया हो कि पाकिस्तान डिफॉल्ट पे नहीं जाए। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि बिजली का कंजम्पशन कम करें और ऑयल की इंपोर्ट कम करें, क्या आप बाजार बंद करा सके? नहीं करा सके ना। तो अगर आप नहीं करा सकते तो उसका मतलब है आप डिफॉल्ट की तरफ गवर्नमेंट को ले जा रहे हैं ना, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं? क्या आपने फैसला किया कि गाड़ियां जो होंगी, बड़ी गाड़ियां 3 दिन तक सड़क पे नहीं आएंगी? फैसला किया आपने? क्या आपने ये फैसला किया कि प्राइम मिनिस्टर साहब का जो कॉन्वाय चलता है या चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट का जो कॉन्वाय चलता है वो नहीं चलेगा, वो अपनी मीटिंग वीडियो कॉन्फ्रेंस करेंगे? क्या उन्होंने की? मेरा सवाल ये है कि कोई एक मुझे कदम बताए। सेम हाल पाकिस्तान के लोगों का भी है, आप कराची के किसी रेस्टोरेंट में चले जाए गर्दिशी कर्जे क्या सब बहरान के जो जिम्मेदार हैं, ये बेचारी हमारी घरेलू औरतें हैं जिनके लिए डार साहब के पास गैस महंगी करने के सिवा कुछ चारा ही नहीं है, तो क्यों ये हमारी सरकार स्मगलर्स दुकानदार जमींदार और दीगर जो टैक्स चोर हैं उनके आगे इतनी बेबस है, क्या वजह है? देखिए बात ये कि बेबस तो मैं भी था ना, इसीलिए तो मैं छोड़ के यहाँ बैठा हुआ ना, आज महीने बाद बेबस होकर आपके सामने बैठा हूँ ना जी। तो बात ये कि बेबस डार साहब नहीं है, बेबस पाकिस्तान की रियासत है। पाकिस्तान के बदमाश माफिया ने पाकिस्तान की स्टेज को होस्टेज बना लिया है। पाकिस्तान की स्टेज को ये क्या हुआ भैया? गजब, मैं तो बता रहा हूँ कि इनने कर दिया है नाश। लेकिन जो डिसीजन लिया गया ना, पता है क्या सोच के लिया गया है कि जैसे अब बिजली, वो एग्जांपल गैस है, हर एक आदमी से एक नॉर्मल चार्ज होता है कि इतना तो आपको महीने का देना है, हाँ। तो उसमें बढ़ा दिया 500 रुपए, तो अगर उस हिसाब से मान लो 500 को बहुत बड़ी वो नहीं है नहीं, लेकिन अगर 500 के हिसाब से और जैसे 500 रुपए 2 करोड़ लोगों ने भी दिए तो 1000 करोड़ के बाद हर महीने के आ गए। प्लान ठीक चल रहे हैं लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहे इनसे। लेकिन क्या है कि एक आम आदमी सफर नहीं कर जाता है, और खासकर गरीब आदमी, मुझे लगता है कि थोड़ा सा इनको ना क्रीम लेयर देख के उन पे ज्यादा टैक्स बढ़ाने चाहिए, उन पे ज्यादा अमाउंट बढ़ानी चाहिए इनसे थोड़ा कम। इतना दिक्कत ये है ना, जो इनकी क्रीम लेयर है वो तो स्टारबक्स की लाइन में लगती है, छुपा के बोल दिया ना, वो तो लगती है स्टारबक्स जैसे कंपनी की लाइन में, और बाकी लगते हैं बेचारे आटे की उसमें लाइनों में। भैया मतलब आज तो दिख गया, हाफिजा खान ने भी कहते भैया
देश का सत्यानाश कर दिया, आदमी खाए तो खाए क्या, करे तो करे क्या, जाए तो जाए कहाँ। आपको क्या लगता है कि मतलब IMF की हेल्प के बाद भी क्या ये उभर पाएंगे? मुझे लगता है कि तब तक नहीं उभर पाएंगे जब तक कि IMF के कर्जा देने के बाद, उनकी पॉलिसी लगाने के बाद, और बाकी कंट्रीज भी इनको पैसा देंगी, जैसे UAE, सऊदी, जब तक वो नहीं देंगे ना, क्योंकि एक दो बिलियन देगा IMF, उससे क्या हो जाएगा? कुछ है ही नहीं। इनको तो अंधा पैसा इनको चाहिए। अगर सही से ऐसे इनकी जेबे खकोड़ोगे झाड़ोगे ना, तो जितना IMF दे रहा है ना, उससे दुगना है, वैसे ही चढ़ जाएगा इनकी जेबों से। लेकिन उन्होंने छुपा दिया है वो ऐसे जगह अंडरग्राउंड किया है कि वो मुझे लग रहा है कि बाईपास कर किसी और धरती पे इनका सीधा है भैया, देश का होता हुआ अपने आप देखेगा IMF और जो भी है, हम क्यों अपने वो ये इन्होंने किसी और गोला पे, वो पीके में नहीं, ये गलत गोला पे, किसी और गोला पे भेजा, इन्हें पता लगा पहले मंगल ग्रह पे पैसे भेज दियो, प्लॉट कटेंगे चांद पे, प्लॉट कटेंगे वहां भेज देते पैसे। भाई आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताना। इंडिया से अगर आप देख रहे हो तो जय हिंद जरूर लिख देना, वीडियो कर दे लाइक, चैनल में तो प्लीज सब्सक्राइब। बाय, टेक केयर।